आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद करने की। बहुत सारे लोगों को जल्दी याद होता नहीं है, तो माइक्रो सेकंड में कैसे याद रखना वो देखो। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या क्या होता है वो देखो। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियोवेव। कैसे याद रखोगे इसको देखो। कॉस्मिक रेज से आपको याद रखना है क्लासिकल, क्लासिकल ठीक है। गामा रेज से याद रखना है गाड़ी। यहां पर एक्स लिखा है तो एक्स लिख लो, यू लिखा है यू लिख लो, विजिबल का भी उठा लो, एक्सयूवी ठीक है, एक्सयूवी क्लासिकल गाड़ी, एक्सयूवी। इंफ्रारेड का इन उठा लो, इन। माइक्रोवेव से माय और रेडियोवेव से रेंज, तो क्लासिकल गाड़ी, एक्सयूवी, इन माय रेंज। इस तरीके से याद रख सकते हो। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें वेवलेंथ के और फ्रीक्वेंसी के बनते हैं। तो अगर मैं कॉस्मिक रेज से रेडियोवेव की तरफ जा रहा हूं, इस तरफ जा रहा हूं, तो जो फ्रीक्वेंसी है न्यू वो क्या होगी, डिक्रीज, तो न्यू डिक्रीजेस। और अगर न्यू डिक्रीज होगा तो लेमडा क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो लेमडा इंक्रीजेस। इस तरीके से अब इनमें से ऑप्शन में मान लो तीन चार आपको दे दी और पूछाएगी न्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करो या लेमडा का डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करो, मतलब अगर आपको याद होगा तो आप जल्दी कर पाओगे। अब इसमें एक चीज यहाँ विजिबल में याद रखना, विजिबल विजिबल में आपको क्या बनाना है, यहाँ बनाना है विग्योर, इस तरीके से विग्योर ठीक है। वी मतलब यहां पर हो गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड ठीक है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती तो लेफ्ट से राइट जाओगे तो इसमें भी वेवलेंथ बढ़ेगी। नोट कर लो इसको और याद कर लेना।